नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज काशी में देव दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी। सीएम योगी भी काशी में मनाएंगे देव दीपावली। दोपहर 2:10 पर वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। देव दीपावली महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। 6 लेन नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही वाराणसी में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। काशी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। क्रूज पर सवार होकर देव दीपावली देखेंगे पीएम मोदी। काशी में लेजर शो भी देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल जाएंगे पीएम मोदी। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन भी करेंगे। करीब 7 घंटे वाराणसी में बिताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आकाश यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं तो हर बार वाराणसी वासियों को कुछ ना कुछ सौगात जरूर देते हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि इस बार 6 लेन हाईवे की सौगात तो वाराणसी वासियों को मिल ही रही है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और परियोजनाओं की बात की जाए तो क्या कुछ होंगे जिनकी सौगात वाराणसी वासियों को मिलेगी? जब भी पीएम मोदी चाहे वर्चुअल संवाद हो चाहे धरातल की रैली हो, पीएम मोदी लगातार काशीवासियों से कुछ न कुछ सौगात देते हैं। आपको बता दें कि काशी धर्म अध्यात्म नगरी कही जाती है, इसीलिए आज से इस बार देव दीपावली कुछ महत्वपूर्ण होगा। 2447 करोड़ की ये 6 लेन का प्रोजेक्ट इस बार पीएम नरेंद्र मोदी तोहफा देंगे काशीवासियों के लिए। इस तोहफे से काशीवासी काफी प्रसन्न है, क्या की क्योंकि पीएम मोदी लगातार जब भी बनारस आते हैं कुछ न कुछ सौगात देते हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब देव दीपावली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद होंगे, तो किस तरह की तैयारियां और किस तरह का उत्साह वाराणसी वासियों में? पीएम मोदी का आपको बता दें कि 23वां दौरा वाराणसी का है। कोरोना काल का ये पहला दौरा है। इसके पहले फरवरी माह में आए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, केवल वर्चुअल संवाद काशीवासियों से कर रहे थे, लगातार कोई ना कोई सौगात देते थे। इस बार धरातल की रैली है, कोरोना काल को देखते हुए लगातार स्वास्थ्य महकमा भी अपने हिसाब से कमर कस ली है, किसी भी प्रकार के कोविड-19 को देखते हुए कोई भी परिणाम गलत ना आए। काशीवासियों इसलिए प्रसन्न है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार काशीवासियों को नए नए सौगात देते हैं। इस बार भी पीएम मोदी काशीवासियों को 2447 करोड़ की ये सौगात हंडिया 6 लेन को देकर मनाएंगे। ठीक, ये जो 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का लोकार्पण करने के लिए, माफ कीजिए शरण्या, लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। वाराणसी को प्रयागराज से ये जोड़ेगी, कितना फायदा लोगों को होगा इससे? इस 6 लेन से लोकार्पण से लगातार काशीवासियों को वाराणसी से यदि प्रयागराज जाना हो तो बहुत कम समय लगेगा, 1 से 1.5 घंटे की ये दूरी कम करेगी। इसके पहले जो था वो काफी जाम था, यदि कोई एंट्री की बात की जाए तो ट्रकों का अंबार लग जाता था, लेकिन 6 लेन के बनने से बनारस के टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा, साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का महाजाम। सड़कों पर उतरे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। आज किसानों ने एक बार फिर बैरिकेडिंग तोड़ी है। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान बॉर्डर पर तैनात है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने सीमेंट के बैरिकेडिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। तो गाजीपुर से खबर जहाँ पर किसानों ने एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ी। कल से लगातार किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको उग्र रूप देने की कोशिश और बार बार अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को जताने के लिए बैरिकेडिंग्स भी तोड़ रहे हैं, और इन्हीं सब को देखते हुए अब प्रशासन ने भी सीमेंट के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगाने शुरू कर दिए हैं किसानों को रोकने के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है और आज किसानों ने फिर से बैरिकेडिंग तोड़े हैं। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर भी लगाए हैं। तो अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बार बार किसान अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, तो अब उसी को देखते हुए अब प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बड़े बड़े पत्थर लगाना शुरू कर दिया है किसानों को रोकने के लिए। जी, लगातार मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिन से किसान यूपी गेट पे धरना दिए हुए बैठे हुए हैं और लगातार किसानों की ये नाक की लड़ाई बन चुकी है।
लगातार किसान बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास कर रहे हैं मगर पुलिस उन्हें रोक ले रही है। वहीं आज दिल्ली पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए बैरिकेडिंग ईंट के बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और बाकी CISF मुस्तैद कर दी गई है और आला अधिकारी वहां सब जायजा ले रहे हैं जिससे कि किसान अंदर एंट्री ना ले पाए। आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर अब पत्थर के बैरिकेडिंग जब लगाए हैं अभिषेक, तो उसके बाद किसानों में किस तरह की हलचल? बैरिकेडिंग लगाने के बाद किसानों में थोड़ा सा उन्होंने मीटिंग की है, मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे कि अगला कदम क्या उठाएंगे, वो उसके अनुसार वो आगे अपना कदम हटाएंगे। मगर किसानों का कहना साफ है कि किसी भी हालत में हम दिल्ली में एंट्री करके छोड़ेंगे। अभिषेक, अगर सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है जंतर मंतर जाने की, तो आगे किसानों का अगला कदम क्या हो सकता है? अगर परमिशन नहीं मिलती है, किसानों का साफ कहना है ये हमारी अब लड़ाई है, चाहे हमें 2 महीने 3 महीने 6 महीने हम दिल्ली जाके ही रहेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रोड जाम कर देंगे। हालांकि सरकार लगातार अब जिस तरीके से किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं, उसको लेकर वार्ता भी कर रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई खुशखबरी या कोई बड़ी खबर सरकार की तरफ से भी आ जाए किसानों के लिए। जी, लगातार सरकार भी मंथन कर रही है और एक चिंता का विषय भी है, काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा है प्रोग्राम और 2018 में ऐसी सिचुएशन देखी गई थी मगर किसानों को आश्वासन दे दिया गया था सरकार द्वारा, मगर अब किसानों का साफ कहना है कि आश्वासन नहीं चाहिए हमें, अब हमें हमारी मांग है पूरी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ललितपुर से बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है। जिला महिला अस्पताल के मेन गेट पर महिला की डिलीवरी हुई, महिला के साथ आए महिला तीमारदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला तीमारदार का आरोप है कि वो सुबह करीब 8 बजे जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर टैक्सी से पहुंची, जबकि उसने अपने निवास ग्राम सिंगापुर से एम्बुलेंस की मांग को लेकर फोन लगाया था, लेकिन एम्बुलेंस के ना पहुंचने से महिला टैक्सी से जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर पहुंची, जहां पर स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की डिलीवरी जिला महिला अस्पताल के गेट पर ही हो गई। डिलीवरी होने के बावजूद करीब आधे घंटे तक महिला अपने नवजात शिशु के साथ गेट पर ही मदद की गुहार लगाती रही। अमर प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अमर, जिस तरीके से महिला जिला अस्पताल में ये लापरवाही सामने आई है और एक महिला की डिलीवरी गेट पर ही हो गई और उसके बाद आधे घंटे तक कोई भी देखने नहीं आया, खबर लेने नहीं आया, इसके बाद अब अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? जी, अभी अधिकारियों से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले काफी अनियमितताएं जिला प्रशासन की पाई गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, और मैं ये बता दूं डिलीवरी के आधे घंटे बाद भी वो महिला वहीं तड़पती रही, तब जाके कहीं प्रशासन ने उनको उस पर गौर फरमाया और ये महिला करीब 35 किलोमीटर दूर से यहाँ टैक्सी से आई है। जी अमर, ना तो एम्बुलेंस दी गई और ना ही महिला की डिलीवरी प्रशासन की तरफ से कराई गई, आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल ने दिखाई है? जी, मैं आपको बता चुका हूँ ये यहाँ पे जिला अस्पताल में काफी अनियमितताएं हमेशा से पाई जाती रही हैं और ये इनका क्रम बन चुका है। लेकिन अमर, ये जिला महिला अस्पताल घूमने के लिए तो नहीं है, मरीजों के इलाज करने के लिए ही, और अगर मरीज पहुंचेंगे उनका इलाज नहीं करेंगे तो इस अस्पताल में क्या होगा? जी, आप तस्वीरों में देख सकती हैं वो महिला तीमारदार जो है वो काफी चिल्ला चिल्ला के अपनी समस्या सुना रही है। ठीक अमर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बताओ क्या समस्या है आप? हमारे पास कोई घर मकान नहीं है।
सिंगापुर से आप यहाँ आई थी, आपने फोन लगाया था? हमने फोन लगाया, हमारे पास फोन है, जिस फोन से फोन लगाया वो फोन है। अभी आप कहाँ हैं इस वक्त? अभी हम इस वक्त हम जहलकों के पीछे। अरे अस्पताल में हो ना? अभी तो अस्पताल में हम टैक्सी से आए, ऑटो से आए। कानपुर से खबर है जहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के भाई के दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। चकेरी थाना इलाके की ये वारदात है जहाँ पर लड़की के भाई के दोस्तों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नशीला पदार्थ नाबालिग लड़की को पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के भाई के दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। चकेरी थाना इलाके के ये पूरी वारदात है। दिनांक 28/29/2020 की रात्रि में एक महिला के द्वारा थाना क्षेत्र चकेरी में अपनी बेटी की गुमशुदगी धारा 363 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी। उक्त बालिका के बरामदगी के उपरांत उसके द्वारा चार अभियुक्त गणों के द्वारा उसको नशीला पेय पिलाने के उपरांत सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई गई, जिसके कारण अभियुक्त को धारा 363 के साथ साथ 376D, 342 और 328 IPC के साथ साथ पॉस्को एक्ट में तरमीम किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त के दो अभियुक्त गण राहुल सोनकर और मिथुन सोनकर को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष दो अभियुक्त विक्की राजपूत और साहिल वाल्मीकि के परिवारजनों से दो व्यक्तियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। तो फैजान हैदर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। फैजान, कैसे आखिर इस पूरी वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया और क्या कुछ कार्रवाई अब पुलिस की चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा साफ तौर से कि इसमें हुआ ये था कि रात में लड़की जो थी वो घर से निकल गई थी अपने भाई के साथ। वहीं पे जो मालूम चल रहा है कि लड़के के जो भाई जो दोस्त थे उन्होंने साफ तौर पर लड़की को नशीला पदार्थ दिया और उसके बाद दुष्कर्म की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया। वहीं लड़की जब दूसरे दिन अपने घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को आपकी बताई तो परिजनों के होश उड़ गए। वहीं परिजनों ने चकेरी थाने में जाके मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई है। उसने दो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया है। वहीं माना जाए तो अभी पुलिस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि तीन आरोपी और जिनकी जिनके लिए अभी पुलिस दबिश दे रही। ठीक फैजान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। औरैया से बड़ी खबर जहां पर कच्चे दीवार ढहने से मलबे में दबे तीन मासूम। हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। दो बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में विदाई कार्यक्रम के समय यह हादसा हुआ। अच्छलदा थाना क्षेत्र के इटैली गांव का ये पूरा मामला है। तो औरैया से खबर जहां पर कच्ची दीवार ढहने से मलबे में तीन मासूम दबे और हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दो बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कच्ची दीवार ढहने से ये हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत, दो बच्चों की हालत गंभीर। शादी समारोह में विदाई कार्यक्रम के समय यह हादसा हुआ। अच्छलदा थाना क्षेत्र के इटैली गाँव की ये घटना। संवाददाता मंजूल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरैया से। मंजूल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो यहां पर घायल बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है और हादसा कैसे हुआ? बता दें मैम कि कच्ची दीवार थी तो बच्चे वहीं पे खेल रहे थे जिसमें तीन बच्चे दब गए, जिसमें एक बच्चे की मौके ही मौत हो गई और दो बच्चे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज चल रहा है मैम। ठीक मंजूल, अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, उसके बाद जो साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंजुल, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, बच्चे खेल रहे थे, दीवार कच्ची थी, क्या दीवार टूटने की हालत में थी, जर्जर थी जो अचानक से गिर गई, टूट गई, क्या वजह रही? ऋतु जी, ऐसा है गांव में कच्ची दीवारें होती हैं तो वो बच्चे वहां पे खेल रहे थे तो रात में ओस के कारण नमी आ गई थी उसमें तो बच्चे वहां से बच्चों का धक्का लगा तो वो दीवार गिर गई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह से खबर जहां पर कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबे तीन मासूम, हादसे में एक बच्चे की मौत, दो बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो शादी समारोह में
विदाई के वक्त ये हादसा हुआ। बहराइच से खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ, दो लोगों की मौत हो गई, कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बहराइच से नान पार आ रहे थे कार सवार, हादसे में एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। में ये सड़क हादसा, दो लोगों की मौत, कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बहराइच से नानपारा जा रहे थे कार सवार, हादसे में एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। विनोद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, दो लोगों की मौत हो गई है हादसे में, कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, आपसे जानना चाहूंगी हादसा कैसे हुआ और अज्ञात वाहन कौन सा था? रात का समय था, ये लोग जो है निकले थे, अपने घर जा रहे थे, किसी अज्ञात वाहन ने जो तेज रफ्तार था इनको टक्कर मार दी। वाहन का पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है अब विनोद? इसमें चार लोग घायल हुए थे जिसमें दो की मौत हो गई। घायलों की स्थिति कैसी है? काफी जो है गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, काफी नाजुक स्थिति में है। पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है, जिस वाहन से टक्कर हुई है उसकी तलाश? पुलिस जो है तत्काल प्रक्रिया हुई, घायलों को अस्पताल लाई। पुलिस जो है वाहन का पता लगा रही है, स्थानीय लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं जिनके घर वहाँ है उन लोगों से पूछताछ के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद वन विभाग की लापरवाही से नहीं पकड़ा गया जंगली जानवर, 10 दिन बीतने के बावजूद भी वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। वन विभाग एक सप्ताह से खाली पिंजरा लगाकर खाना पूर्ति कर रहा है। मौके पर पिंजरा मिला, बंद नहीं डाला गया शेर को फंसाने के लिए कोई सामान। जंगली जानवर ने खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया। जानवर के हमला करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ड्रोन कैमरे से गन्ने के खेत पर जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए निगरानी भी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण जंगली जानवरों को बता रहे शेर ग्रामीणों के अनुसार लेकिन ग्रामीण जंगली जानवर को बता रहे हैं शेर ग्रामीणों के अनुसार आगे से बड़ा बाल वाला, पीछे से पतला है जानवर। ग्रामीण कांता भाला फरसा लाठी डंडा लेकर गन्ने के खेत में जानवर को ढूंढने में लगे हुए हैं। थाना राजीपुरा क्षेत्र के उदयपुर का मामला है। तो संवाददाता अमित औदिच्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक तो ये जो जानवर है जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से, लगभग एक सप्ताह हो गया है खाली पिंजरा लेकर फिर रहे हैं वन विभाग वाले, और साथ ही शेर को फंसाने के लिए कोई खाने की चीज भी पिंजरे में नहीं डाली है, तो ये सिर्फ खाना पूर्ति क्यों हो रही है? और दूसरा सवाल ये, क्या ये बात कंफर्म है कि वो शेर ही है? क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं पहचान जानवर की कि बड़े बाल वाला, पीछे से पतला है जानवर, तो क्या किसी ने देखा है शेर को? देखिए, पर बताना चाहूंगा ये फरुखाबाद जनपद के राजापुर क्षेत्र के उदयपुर का मामला है। यहाँ पर जो है वन विभाग की लापरवाही से जंगली जानवर को नहीं पकड़ा जा सका। वहीं आज 10 दिन बीतने के बावजूद वन विभाग के हाथ खाली हैं। वन विभाग ने एक सप्ताह पहले खाली पिंजरा लगाकर खाना पूर्ति की, लेकिन लोगों का कहना कि वहां पे एक शेर जो है आ चुका है, लोगों दहशत का माहौल है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।